अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। जातीय जनगणना के लिए सर्वदलीय बैठक 1 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि सर्वदलीय बैठक को लेकर सभी दलों के नेताओं से बात हो चुकी है। श्री चौधरी की बातों की पुष्टि करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना समय की मांग है और यह होनी चाहिए। कयास लगाने वाले तो हर चीज में कयास लगाते रहते हैं, उसकी कितना जवाब दिया जाए। कोई कयास लगाने का मुद्दा नहीं है। जातीय जनगणना समय की मांग है और समय की मांग के आधार पर जातीय जनगणना बिहार में होनी चाहिए। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बेतिया में पूछे गए एक सवाल के जवाब में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर विधानसभा में और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में भी भाजपा शामिल थी। उन्होंने कहा कि पार्टी जनगणना के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर लागू करने के पक्ष में है। विगत बिहार विधानसभा में जब यह प्रस्ताव आया था तो भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों ने उसका समर्थन किया था। माननीय प्रधानमंत्री से जो प्रतिनिधि मंडल मिला उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मंत्री थे और हम लोग इसके विभिन्न पहलुओं को का अध्ययन भी कर रहे हैं। समय पर इन सारी चीज़ों को हम सब देखेंगे भी। इसमें मैंने कभी, हम सबों ने तो कभी ऐसा कहा नहीं है कि इसे लागू नहीं करेंगे।